मेरा नाम इस फरजाना है और मैं क्लास 9 और मैट्रिक की उर्दू की टीचर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमारे असेसमेंट ख़त्म हुए हैं और इस असेसमेंट के बाद जो है अब हमारा जो है दोबारा न्यू सेशन जो है अगस्त का शुरू हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगस्त में हमारे जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको कम्प्लीट करवाए जाएंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमारा अगस्त से न्यू जो है काम जा रहा है और अगस्त की तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको इसी तरह वीडियो पे करवाएंगे। जैसे कि आपने पहले एक चैप्टर मैंने आपको कराए थे नज़रिया पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी तकरीबन करवा दिए थे और उसका मरकज़ी ख्याल भी करवाया था। इसके बाद हमने एक नज़्म पढ़ी थी जीवे जीवे पाकिस्तान, उसका काम भी मैं आपको आज सेंड करूँगी। इसके बाद जो हमारा एक नया जो टॉपिक है वो है ख्वाजा हैदर अली आतिश, यानी आतिश की एक गज़ल है जो कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले हम उनके आतिश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आपको उसकी नज़्म के बारे में बताएंगे कि नज़्म क्या है। ठीक है, हो गया। हैदर अली आतिश की जो हमने नज़्म पढ़नी है, सबसे पहले हम शायरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उनके शायर के बारे में जो बातें होती हैं उन थोड़ा सा उसके बारे में फोकस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शायर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है। ख्वाजा हैदर अली आतिश ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे, दिल्ली यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए। नवाब शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली से फैज़ाबाद में आ रहे। कम सनी में वालिद का इंतकाल हो गया, कोई सरपरस्त ना था, माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए नवाब मिर्ज़ा अहमद तकी की मुलाजमत इख्तियार कर ली। आप उनके हमरा लखनऊ आ गए, शायरी में मसफ़ी के शागिर्द बन गए, बादशाहों के दरबार में बात नहीं गए, ना किसी का कोई कसीदा लिखा। ताहम बादशाह अजरह कदरदानी 80 रुपये महाना उन्हें पेश करता था, नहायत मुनकसरुल मिजाज और खलीकुल इंसान थे। इनकी शायरी में ज़बान का लुत्फ और अल्फाज की चाशनी मौजूद है। हैदर अली आतिश के बारे में जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि हैदर अली आतिश जो है उनके माली तौर पर हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि उनका कोई सरपरस्त नहीं था और ज़ाहिर है जब सरपरस्त नहीं होते तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम भी किया है और अपने तमाम खिदमात का उन्होंने उस हिसाब से मुआवजा भी नहीं लिया है, क्योंकि शायर जो है वो अपना ज़्यादातर सरमाया जो है वो महफूज करने के लिए रहता है, ताकि उसका जितना भी काम है उसको महफूज कर लिया जाए। अब आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि हमारी नज़्म जो है वो दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना गोरे सिकंदर ना है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, गमो गुस्सा रंजो अंधो ओ हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है जबान कैसे कैसे। माखूज दीवाने आतिश, यानी ये जो गज़ल है ये दीवाने आतिश से माखूज है। आपको मालूम है कि गज़ल जो है वो औरत की तारीफ़ के लिए कही जाती है और औरत की तारीफ़ बयान की जाती है, और गज़ल के हर शेर में वाज़े मफहूम हो जाता है, मफहूम जो है वो वाज़े होता है और उसके बारे में हर चीज़ जो है वो वाज़े होती है। अब यहाँ पे हैदर अली आतिश जो हैं वो ये नज़्म लिख रहे हैं, ये गज़ल में बयान कर रहे हैं कि दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, यानी उनके ज़बान पे
गुमान कैसे कैसे हैं, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। कलाम यानी बातचीत करना, यानी हम जो बातचीत करते हैं उसमें किस किस तरह के कलाम आते हैं। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, यानी ज़मीन पर जितने भी हमारे फूल पौधे लगे हुए हैं उनमें तरह तरह के फूल आते हैं। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, ये भी हमें पता है कि हर दिन मौसम अलग तरह का होता है और हर दिन आसमान का रंग मुख्तलिफ होता है, कभी साफ और कभी बादलों से ढका हुआ। ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, गोरे सिकंदर यानी सिकंदर बादशाह की कब्र के बारे में बात होती है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, यानी ये वो लोग हैं जो कि बहुत नामी ग्रामी बादशाह थे लेकिन आज भी इनके नाम भी मिट चुके हैं। गमो गुस्सा रंजो अंधो हरमा, यानी गम गुस्सा दुख हर इंसान के दिल में मौजूद है। हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे, यानी मेहरबान बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हमारी बुरी बात पे भी उनकी मेहरबानियाँ रहती हैं। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है जबां कैसे कैसे, हमें जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है क्योंकि हम अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं जो उसने हमें दी हुई है और उसकी दी हुई नेमतों का लुत्फ हम अपनी ज़बान से उठा रहे हैं क्योंकि ज़बान ही वो चीज़ है जो कि हमें हर चीज़ का मज़ा देती है, लुत्फ देती है और हम इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब इन तमाम जो मैंने गज़ल पढ़ी है इनके कुछ सवालात हैं, मैं उन सवालात के बारे में आपको बता रही हूँ। आतिश की गज़ल का कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद आया है, वजह भी बताइए। अच्छा, इस गज़ल का आखिरी शेर में इंसान की शुक्रगुजारी का एहसास दिलाया है कि इंसान नेमतों के इस्तेमाल के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं और बुखल से काम लेते हैं। हमें ना शुक्री का मुजाहरा करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ये तमाम नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, उसका जितना भी शुक्र करें वो कम है। उसके बाद इसका दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इस गज़ल में लफ्ज़ कैसे कैसे किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। इस गज़ल में लफ्ज़ कैसे कैसे बहुत से मायनों में इस्तेमाल हुआ है, मसलन आसमान रंग बदलता है कैसे कैसे, ज़मीन चमन खिलाती है यानी फूल जो खिलते हैं वो कैसे कैसे, हमारे अल्फाज जो ज़बानों यानी बात करने में आते हैं वो भी कैसे कैसे, इंसान बहुत सारी जगहों पे गुस्सा गम का इजहार कर रहा होता है कैसे कैसे, और हमारी ज़बान जो कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है और वो जो हमें नेमतें दे रहा है वो भी कैसी कैसी नेमतें हमें दे रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं। उसके बाद इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले मुहावरात लिखिए। पहला मुहावरा है मज़े लूटना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, गुल खिलाना, नाम मिट जाना, मेहरबान कैसे कैसे, यानी ये वो मुहावरात हैं जो कि इस गज़ल में इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद चौथा सवाल है इस गज़ल के काफ़िये और रदीफ़ के अल्फाज कौन से हैं। काफ़िये जो है गुमा, दरमिया, आसमां, निशां, मेहरबान, ज़बान, काफ़िये का मतलब ये है कि मिलते जुलते अल्फाज, क्योंकि मिलते जुलते अल्फाज जो होते हैं वो काफ़िये कहलाते हैं, और रदीफ कैसे कैसे यानी हर शेर के आखिर में जो काफ़िये के बाद जो अल्फाज आता है उसको रदीफ कहते हैं, और यहाँ पर जो रदीफ है वो है कैसे कैसे। ठीक है,
ये जो काफिया और रदीफ का जो फ़र्क है यहाँ पे, ये फ़र्क भी वाज़े हो गया और काफिये कौन कौन से हैं और रदीफ कौन से हैं ये भी आपके पास वाज़े है। अच्छा, अब हमारे पास दर्ज ज़ेल अल्फाज के मायने लिखिए। दहन, दहन यानी मुंह को, यानी जो लब हैं हमारे वो कहलाते हैं। उसके बाद है गोर, गोर माने कब्र। अंधो माने मलाल या रंज। उसके बाद है गुमा, शक व शुबा, वहम, कयास वगैरह। हरमा मायूसी, नाउम्मीदी या बदकिस्मती। रंज तकलीफ, दुख, मलाल। गोरे सिकंदर, सिकंदर बादशाह की कब्र। कब्रदारा एक बड़े हाकिम दारा की कब्र। उसके बाद हम अपना आ जाते हैं अशआर की तशरीह पे, ठीक है। शेर नंबर दो, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह में सबसे पहले हमने हवाला शायर, यानी हमने शायर का हवाला देखना है कि शायर का हवाला किस तरह आपको लिखना है, ठीक है। ख्वाजा हैदर अली आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। इनके कलाम में वो तमाम शेरी महासिन मौजूद हैं जो लखनऊ का इम्तियाज़ थे। इनके अशार में सादगी और पाकिजगी है। वो वाहिद शायर हैं जिनके यहाँ मरसिया साजी और नगीना साजी नज़र आती है। इनके कलाम में महावरा बंदी के नमूने भी हैं। अब इसके बाद ये आपने तारुफ कर दिया और तारुफ के बाद फिर अब आपकी आएगी तशरीह, आपको इसकी तशरीह किस तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद ये तशरीह आपकी ये आ गई। ये तमाम तशरीह आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा शेर है, ना गोर सिकंदर ना है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब इसमें आपने दोबारा जो है वो हवाला शायर नहीं करना है, क्योंकि आप पिछले उसमें पिछली तशरी में आपने हवाला शायर कर दिया था। अब इसकी हम तशरी करेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि दुनिया में अजीम बादशाह और फातह गुजरे हैं, यानी कौन गुजरे हैं, सिकंदर आज़म के। जैसा कि सिकंदर आज़म जिसकी कम उम्री में ही तकरीबन आधी दुनिया उसने फतह कर ली थी, ईरान का मशहूर शहनशाह दारा जिसकी फतूहात भी बहुत ज़्यादा थी, मगर अब दोनों के कब्रों के निशानात भी बाकी नहीं हैं। दुनिया में उनका नामो निशान भी मिट गया है। उन दोनों के अलावा भी बहुत सी शख्सियात हैं जो अपने अंदर वक्त के नामवर बादशाह और बहादुर तो थे, मगर वक्त बताता है कि आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। जो उस वक्त जहां में आया था उसे एक दिन जाना भी है, और फिर वक्त उनकी कब्रों के निशान भी मिटा देता है और लोगों के हाफ़ों से उनके कारनामे भी मिट जाते हैं। ये आपकी वो तशरीह है जो कि आपने जो है इस शेर की तशरीह करनी है। आपने इसमें देखा होगा कि ये जो बादशाह थे ये बहुत नामी गिरामी थे, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि उनका नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं है। ये दुनिया में जिस तरह लोग आ रहे हैं इसी तरह दुनिया से चले भी जाएंगे। जिस वक्त वो काम करते हैं उस वक्त उनकी वाह वाह होती है, जब उनका दुनिया से रब्ता ख़त्म हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके वो नामो निशान भी मिटते चले जाते हैं। और इसी तरह इन बादशाहों के साथ भी यही हुआ है कि आज उनके नामो निशान भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया जो है आगे आने वालों को जो है वो याद रखती है और पीछे वाली चीज़ें जो है वो मिटा देती है। अच्छा, अब बेटा आपको दर्जा ज़ेल जवाबात के दुरुस्त पर सही का निशान लगाना है, ठीक है ना। लफ्ज़ आतिश के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आतिश का लफ्ज़
किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, आग के लिए हो रहा है, या जबकि आपको शायद मालूम होगा कि आतिश आग को ही कहते हैं। पहले शेर में लफ्ज़ कलाम के मायने हैं, पैगाम, शेर, ख्याल या गुफ्तगू। कलाम का मतलब है गुफ्तगू। लफ्ज़ गुल खिलाना कवायद के लिहाज से, लफ्ज़ गुल खिलाना कवायद के लिहाज से है। इसमें सिर्फ इसमें अजाफी, मुरक्कब अतफी या मुहावरा, तो आपका मुहावरा गुल खिलाना यानी आपका मुहावरा है। उसके बाद है लुत्फ अंदोज़ के मायने हैं, शक्र, खुद्र, खुशी और गम। यानी यहाँ पे लुत्फ अंदोज़ होना यानी शुक्र है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लफ्ज़ जाएगा वो है शुक्र। उसके बाद है खाली जगहों को दुरुस्त लफ्ज़ से पुर कीजिए, ना गोर सिकंदर ना है डैश दारा। यानी जो आपके पिछले उसमें जो आपकी गज़ल के जो हैं मिसरे वो यहाँ पे फिक्स होंगे। ज़मीन चमन डैश खिलाती है क्या क्या, कलाम आते हैं डैश कैसे कैसे, इसमें आपने वही सब चीज़ें भरनी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अच्छा ये जो आपके अल्फाज मायने थे जो कि मैंने अभी आपको समझाए भी हैं कि अल्फाज मायने आपने किस तरह करने हैं, कि गौर सिकंदर और ये सब जो है ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि गौर यानी कब्र को कहते हैं, गुमा यानी खदशा गुमा उसको कहते हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भी ये सब कुछ बता दूंगी कि आपने ये किस तरह करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करना है, और जितना भी आपको मैंने अभी काम दिया है वो सारा काम आपको अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाकर और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। क्योंकि ये काम आपका जो है जब चेक होगा तो उसके नंबर भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे, उसमें शामिल कर लिए जाएंगे, तो ये काम बहुत सफाई से और बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो है जो अभी हमने आपको असेसमेंट दिया है, उस असेसमेंट की जब चेकिंग हो जाएगी, जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, फिर वो हम आपको ये सब चीज़ें ग्रुप पे बताएंगे, ताकि आपका ये जितना भी काम है वो सब जो है बहुत आराम से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके आगे जितने भी हो सकता है कि आपके 15 सितंबर से स्कूल खुलें, तो आपके तमाम काम उसमें जो है वो आगे से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत रिविज़न भी करवाएंगे, लेकिन आगे से हम आपको ये तमाम काम करवाएंगे, ठीक है। कोई बात अगर आप बच्चों को नहीं समझ में आ रही है तो वो बच्चे जो है वो मुझसे पूछ लें, और जो भी है कोई भी कन्फ्यूज़न है वो मुझसे ग्रुप पे मालूम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब ये गज़ल हमारी ख़त्म हो गई है, अब आगे जो भी वर्क होगा मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। जहाँ तक भी होगा ये काम आप लोगों का मैं सेंड कर दूँगी, स्क्रीनशॉट करके आपको भेज दूँगी। शुक्रिया।